अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप कैसे होंगे। मैं तो आज मैं आप लोगों को एक वाक्य भी सुनाऊंगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक बच्चे का। पहले हम कर लेते हैं अपना अल कुरान पाठ। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فإن لم تعلوا ولن تقبلوا فاتوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدلة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا بها من ثمرات رزقا قالوا متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستطيع أن يصرف مثلا ما بعزة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا ويعدي به قصيرا وما يزيل به إلا الفساكين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يعيدكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم। ये हो गया हमारा कुरान पार्ट 4। अब मैं आपको सुनाता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बच्चे का वाक्य। एक दिन एक बच्चा था, वो 3 साल का, वो खेल रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस बच्चे को देखा, बोला माशाल्लाह, बच्चे के सर पर हाथ रखा। फिर जब वो बच्चा 50 साल का हो गया तो उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा आपकी ये वाली साइड सारी वाइट हो गई पर ये साइड ब्लैक क्यों है? तो उस बच्चे ने जो 3 साल का था, उसने जब वो 50 साल का हो गया तो उसने अपने बच्चे से कहा कि जब मैं 3 साल का था तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ रखा था, तो जब से मेरे यहाँ के बाल ब्लैक हैं और ये वाली साइड वाइट हो गई। ये एक छोटा सा वाक्य हुआ था बस। उम्मीद आपको भी अच्छी लगी हो इस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।